Hey guys, welcome back to the new video. आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 7 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जिसे आप लोग 15,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और दोस्तों इस 2024 में बहुत सारा न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 15,000 के अंदर, और आप लोग भी 15,000 के अंदर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो ये वीडियो को आखिर तक देख के जाना। और इस वीडियो के अंदर मैं जितना भी स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा वो सारा स्मार्टफोन में टॉप 9 लेवल का परफॉर्मेंस के साथ साथ प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा कैमरा मिल जाएगा, ओएस के साथ बड़ा बैटरी का सपोर्ट, बिग रैम स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाएगा और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन टॉप 9 लेवल का दिया गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पे आता है टेक्नो पोबा 5 प्रो 5G। 15,000 के अंदर टेक्नो की तरफ से एक अच्छा डिजाइन के साथ आने वाला पावरफुल लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश को, 240 हर्ट्ज का टास्क सैम्पलिंग रेट, 580 नीट पिक ब्राइटनेस दिया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मीडियाटेक की तरफ से डायमंड सिटी 6080 का 5G चिपसेट आता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ट है। फोन लॉक का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है, 10 5G का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात की जाए तो ये स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक AI लेंस मिल जाता है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 2K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 68W फास्ट चार्जिंग को, 0-50% चार्ज 15 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, iOS 13.1 पे बेस्ट है। स्मार्टफोन का पीछे RGB लाइट मिल जाता है, NFC का सपोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है। स्मार्टफोन का प्राइस के बाद की जो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 15,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 6 पे आता है Realme 12 5G। 15,000 के अंदर Realme की तरफ से एक लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Realme 12 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट को, 950 नीट पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मीडियाटेक की तरफ से डायमंड सिटी 6100 प्लस चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 4 लाख के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है, 9 5G का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है, परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जाए तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा 45W फास्ट चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स 114 पे आएगा, Realme UI 5 पे बेस्ट होगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की जाए तो 6GB रैम 128GB वेरिएंट अभी के टाइम पे डिस्काउंट लगा के 15,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 5 पे आता है Samsung Galaxy F15 5G। 15,000 के अंदर Samsung की तरफ से एक लेटेस्ट जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 800 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मीडियाटेक की तरफ से डायमंड सिटी 6100 प्लस चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 4 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है, 13 5G का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा 25W चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स 114 पे आएगा, One UI 6.1 पे बेस्ट है, 10 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 4GB रैम 128GB वेरिएंट अभी के टाइम पे 13,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे है वीवो की तरफ से T2। वीवो की तरफ से एक अच्छा कैमरा के साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन को देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.38 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 90Hz का रिफ्रेश रेट को, 1300 नीट पिक ब्राइटनेस, 360Hz का टास्क सैम्पलिंग रेट,
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन में। और परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट मिलता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 4 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर 6 5G का सपोर्ट मिल जाती है। ये स्मार्टफोन में मिड रेंज लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। और कैमरा का बात किया जाए तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS और EIS का सपोर्ट मिल जाती है। 1080p बेस 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 4500mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 44W फास्ट चार्जिंग को। 0-50% चार्ज 25 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, फैंटाइज OS पे बेस्ड है। स्मार्टफोन का डिजाइन अच्छा देखने को मिल जाती है। 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाती है। LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज। प्राइस का बात की जाए तो 6GB RAM 128GB मेमोरी डिस्काउंट लगा के 15,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है मोटोरोला G54 5G। गाइस मोटोरोला की तरफ से स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन UI एक्सपीरियंस के साथ आने वाला एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 560 नीट पिक ब्राइटनेस मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7020 का 5G चिपसेट आता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 4,70,000 के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 14 5G का सपोर्ट मिलता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात की जाए तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाती है। 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 6000mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 30W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है। IP52 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए 8GB रैम 128GB मेमोरी मिल जाएगा 13,999 रुपीज़ में। नंबर 2 पे आता है IQ के तरफ से Z7S। गाइस IQ की तरफ से एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1300 नीट पिक ब्राइटनेस, HDR10+ का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात की तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 4 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर, 6 5G का सपोर्ट, ये स्मार्टफोन में अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात की जाए तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट और 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 4500mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 44W फास्ट चार्जिंग को। 0-50% चार्ज 25 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, फैंटाइज OS पे बेस्ड है। 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाती है। IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिलता है। और प्राइस की बात की जाए तो 6GB रैम 128GB मेमोरी मिल जाएगा 15,999 रुपीज़ में। डिस्काउंट लगा के 15,000 के अंदर मिलेगा। नंबर 1 पे आता है सैमसंग की तरफ से F34 और M34। गाइस सैमसंग की तरफ से एक अच्छा डिस्प्ले और अच्छा कैमरे के साथ साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। दोनों स्मार्टफोन सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1000 नीट पिक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात की जाए तो सैमसंग की तरफ से Exynos 1280 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 4,20,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर, 11 5G का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात की जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में सैमसंग की तरफ से G5 का सेंसर मिल जाती है OIS के साथ।
4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन में। और 6000 mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जिंग को, बट बॉक्स में चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा। और स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, One UI 5.1 पे बेस्ट है। 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाती है, NFC का सपोर्ट। और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए तो 6GB RAM 128GB मेमोरी अभी के टाइम पे मिल जाएगा 16,499 रुपीज में, डिस्काउंट लगा के 15,000 के अंदर मिल जाएगा।